दोस्तों आता होगा आप लोगों की काफी मजा जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे, बट आपको भी पड़ती होगी डांट जब आप कोई मैसेज का रिप्लाई करना भूल जाते होंगे, जैसे कि हैप्पी बर्थडे और भी काफी सारे टाइप के मैसेज होते हैं दोस्तों जो आपको सुबह सुबह करने पड़ते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। दोस्तों इस टाइप के मैसेजेस को क्यों ना हम लोग शेड्यूल कर दें और शेड्यूल करने के बाद ऑटोमेटिक भेज दें। बट एक मिनट, व्हाट्सएप में तो ऐसा फीचर ही नहीं है कि आप उसको शेड्यूल कर पाएं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? फिर हम लोगों की वीडियो देखोगे आप और हम बताएंगे आपको कि व्हाट्सएप में आप किसी भी मैसेज को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में मैसेज को शेड्यूल करना काफ़ी आसान है और काफ़ी ईजी तरीका है जो कि आज तक आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे बताने से पहले एक गुजारिश करता हूँ दोस्तों, एक जो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे भगवान खुश होते हैं, मंदिर होता है ना, मंदिर में आप घंटा बजाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे बेल आइकन दबा दीजिए, हमें लगेगा शांति है। दोस्तों अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं फटाफट से व्हाट्सएप के अंदर। ये मेरा लॉक हो गया दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो यहाँ पे कोई भी शेड्यूल का ऑप्शन नहीं है, चाहे मैं इसको दबा के रखूँ चाहे कुछ भी करूँ। तो दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर आपको जो है शेड्यूल का मैसेज नहीं मिलता, तो शेड्यूल करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका नाम है SKED Skit, ठीक है? स्किट को आप डाउनलोड कर लीजिए, स्किट SKED IT, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके दोस्तों इसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद जैसे जैसे मैं बताऊं वैसा वैसा कीजिएगा, अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो ये आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आपको अनेबल एसेसिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। अनेबल एसेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको एसेसिबिलिटी प्रोवाइड कर लेनी है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और एप्लीकेशन को दे रखा है एसेसिबिलिटी, तो पहले मुझे उसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद स्किट को देना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ भी हल दिक्कत आए तो उसको आप सॉल्व करिएगा। दोस्तों क्विक वॉल को मैंने बंद करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक्सेसिबिलिटी को अलाउ कर देते हैं, और आप लोग देख सकते हैं हमने एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में इसको अलाउ कर दिया है। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पे और वहाँ पे क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपके पास ऑप्शन आ गया है टू और मैसेज, और नीचे आ रहा है आपका अटैचमेंट या फिर शेड्यूल का ऑप्शन। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी अपना एक कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे। दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट को, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट हो गया है। कॉन्टैक्ट सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे। सपोज़ कीजिए किसी का हैप्पी बर्थडे और आप भूल जाते हैं, तो उस केस में आप चाहते हैं कि आप शेड्यूल कर लें उसको, तो शेड्यूल पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे टाइम डाल दीजिए, जैसे मैं एक मिनट बाद का ही टाइम डाल रहा हूँ, और रिपीट या नॉन रिपीट भी आप डाल सकते हैं इसमें, और आस्क मी बिफोर सेंडिंग आप ये ऑप्शन भी डाल सकते हो, यहाँ पे टिक कर देते हैं। दोस्तों टिक करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं चेंज स्क्रीन लॉक रिक्वायरमेंट डिसेबल स्क्रीन लॉक। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक को डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने में ये होगा कि आपको अपना फ़ोन जब तक ऑन होगा तभी ये वर्क करेगा, अगर फ़ोन ऑन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे शेड्यूल कर दिया है, आप भी ऐसे ही शेड्यूल कर सकते हैं अपने मैसेज को, और काफ़ी इजीली दूसरे बंदे को मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं बिना ही किसी दिक्कत के। दोस्तों और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, मैं सारे ही कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, यही मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों हमारा टाइम हो चुका है और देखते हैं ये मैसेज सेंड हो गया कि नहीं हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक करने के लिए कह रहा है, ये हम लोगों ने अनलॉक कर दिया, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे जो है सेंड हो गया है। दोस्तों इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है मैसेज सेंड किया है इसने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।